नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो लास्ट सेशन रहता है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस सेशन के बेस पर कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज दी, इन विच स्टेट इज दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। किस राज्य में दलमा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? सो गाइज, आंसर इज दी झारखंड। इट इज लोकेटेड इन दी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज बंदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड। किस राज्य में बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सो गाइज, आंसर इज दी कर्नाटका। बंदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज बीसलपुर डैम लोकेटेड। किस रिवर पर या किस नदी पर बीसलपुर बांध स्थित है? सो गाइज, आंसर इज दी बनास रिवर पर बीसलपुर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ द कर्नाटका। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई बाला, जगदीश मुखी, बनवारी लाल पुरोहित, गंगा प्रसाद या निर्भय शर्मा। तो यहां आंसर है वजुभाई बाला। वजुभाई बाला इज द गवर्नर ऑफ द कर्नाटका। इसमें जो चार ऑप्शन अवेलेबल हैं, दो मैं आपको बताऊंगा, दो आपके लिए होमवर्क रहेगा। वीडियो कंप्लीट होने के बाद कॉमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है आपको। जगदीश मुखी इज द गवर्नर ऑफ द असम, ये असम के गवर्नर हैं। एंड बनवारी लाल पुरोहित की बात करते हैं गाइस, तो ये तमिलनाडु के हैं। इसके अलावा बाकी के ये दो गवर्नर्स हैं, गंगा प्रसाद और निर्भय शर्मा, ये आपको बताना है किन राज्य के ये गवर्नर्स हैं। नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल साइंस डे। किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 20 जनवरी, 20 फरवरी, 20 मार्च, 20 अप्रैल या 20 मई। सो गाइज, आंसर इज दी 20 फरवरी इज ऑब्जर्व एज दी नेशनल साइंस डे। देखते हैं आज का स्टेट क्या है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की बात करें, ये इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। कैपिटल शिमला है, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं एंड गवर्नर इज दी आचार्य देवव्रत। फोकस करिएगा तीन बातों पर, कैपिटल शिमला, जयराम ठाकुर इज द चीफ मिनिस्टर एंड दी आचार्य देवव्रत इज द गवर्नर। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लोकसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं वह 4 है, राज्यसभा सीटें की बात करें तो वह 3 है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ हिमाचल प्रदेश इज हिंदी। वह स्टेट्स जिनके साथ ही बॉर्डर शेयर करता है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड दी उत्तर प्रदेश। आते हैं, चलते हैं, जरा देखते हैं मैप के थ्रू लोकेशन और हिमाचल प्रदेश की। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है टेक्निकल टीम, स्क्रीन को जूम किया जाए, हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देख सकते हैं गाइज। यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश जिन स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है उससे ऊपर चलते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है एंड फिर उत्तर प्रदेश गाइज आता है। कुछ यहाँ पर नेशनल पार्क्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क। कोशिश करिएगा स्टार्टिंग के कीवर्ड उठाने की, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा और सिंबल बारा, ये नेशनल पार्क्स एंड ऑल आर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। किब्बर, गोविंद सागर, धौलाधार और चेलो कुगती, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल आर लोकेटेड इन दी हिमाचल प्रदेश। क्या है आज की न्यूज उसे देखते हैं। तेजस्वी सावंत हैज वॉन दी गोल्ड मेडल इन 50 मीटर राइफल प्रॉन इवेंट इन ISSF वर्ल्ड कप। तेजस्वी सावंत ने ISSF विश्व कप में 50 मीटर राइफल प्रॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, दो तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। या तो डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि किसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया, या यूं पूछा जा सकता है तेजस्वी सावंत इज रिलेटेड टू दी विच स्पोर्ट। सो गाइस, आंसर इज दी शूटिंग, शी इज रिलेटेड टू दी शूटिंग। क्या है न्यूज और डिटेल में यहां देखते हैं। ISSF वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है म्यूनिक जर्मनी में। तेजस्वी सावंत हैं जिन्होंने 50 मीटर राइफल प्रॉन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक, और वह जिस स्टेट से बिलोंग करती हैं उस स्टेट का नाम महाराष्ट्र है। समटाइम क्वेश्चंस ये भी पूछ लिया जाता है, पर्सन जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसका नाम गिवन होता है और ये पूछा जाता है कि वह किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो फोकस करिएगा, तेजस्वी सावंत इज शी इज रिलेटेड टू दी महाराष्ट्र, शी इज फ्रॉम दी महाराष्ट्र। ISSF की बात करें, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, फाउंडेशन ईयर इज दी 1907, इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1907, 1907 में यह फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी है और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है ओलिगेरियो वास्क्वेज राना। ओलिगेरियो वास्क्वेज राना इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ISSF। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। एवी डिविलियर्स हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। एवी डिविलियर्स ने
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। अब वो चाहे T20 हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वह वनडे इंटरनेशनल हो, सभी प्रारूपों से इन्होंने कह सकते हैं रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, संन्यास की घोषणा कर दी है। एग्जामिनेशन में सिर्फ इतना आ सकता है एवी डिविलियर्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, सो आंसर इज दी क्रिकेट। अपार्ट फ्रॉम ये आ सकता है कि वह एवी डिविलियर्स हैं, इन्होंने हाल ही में अनाउंसमेंट किया है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, वह किस देश से हैं, यूं कहें कि वह किस देश को रिप्रेजेंट करते थे, तो गाइज आंसर दी साउथ अफ्रीका। क्या है साउथ अफ्रीका के फैक्ट, चलिए बढ़ते हैं। कहूंगा ना याद रखना आपको कितने इंटरनेशनल मैचेस खेले, कितने यहाँ पर उन्होंने सेंचुरीज लगाई हैं, कुछ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ फोकस करेंगे साउथ अफ्रीका के स्टैटिक फैक्ट पर। सिर्फ इंटरलिंक करने का पर्पज ये है कि एक पर्सन न्यूज़ याद हो गई, अब उसके अलावा उसी न्यूज़ से मिलते जुलते कुछ फैक्ट देख लेते हैं। न्यूज़ मतलब वह साउथ अफ्रीका टीम को रिप्रेजेंट करते, इसलिए साउथ अफ्रीका के स्टैटिक फैक्ट। प्रिटोरिया इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल, आपके लिए होमवर्क रहेगा आज, एक जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और ये लेजिस्लेटिव कैपिटल्स में डिफरेंस क्या होता है। ब्लूम 14 की बात करें, इट इज अ जुडिशियल कैपिटल ऑफ द साउथ अफ्रीका। एंड कैपटाउन की बात करते हैं, कैपटाउन इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ द साउथ अफ्रीका। करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका इज द रैंड एंड प्रेजिडेंट इज द सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा इज द प्रेजिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट न्यूज गाइज, एमिनेंट गुजराती राइटर विनोद भाट has passed away recently, he was 80. प्रसिद्ध गुजराती लेखक विनोद भट्ट का हाल ही में निधन हो गया, वह 80 वर्ष के थे। एग्जामिनेशन के लिए वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्विचरी। अब देखिए यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सिर्फ यूं आ सकता है, पर्सन जिसका देहांत हुआ वह किस फील्ड से बिलोंग करते थे, या यूं आ जाए कि भाई ऐसे ऐसे करके कि एमिनेंट गुजराती राइटर का हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम क्या है। सो याद रखना है विनोद भट्ट डैश करके गुजराती राइटर। गुजरात की बात कर लेते हैं, गुजरात के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर्मेशन हुआ था गुजरात का 1 मई 1960 को, 1 मई को ही अभी फाउंडेशन डे बनाया उसने। गांधीनगर कैपिटल है, विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर है, ओम प्रकाश कोहली इज द गवर्नर। एंड टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें वह 33 है। लोकसभा सीटें गाइस 26 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करते हुए 11 है। अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ अ गुजरात एंड गुजराती इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गुजरात। वह स्टेट्स जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, मतलब कुछ स्टेट्स हैं, कुछ यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज हैं। और वह कंट्री जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है गाइज वो है पाकिस्तान। अपार्ट फ्रॉम कुछ और स्टडी फैक्ट है उन्हें और यहाँ पर हम देख लेते हैं। सोमनाथ टेम्पल, काकरापार एटोमिक पावर स्टेशन और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तीनों ही बातें याद रखिएगा, सोमनाथ टेम्पल, काकरापार एटोमिक पावर स्टेशन और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये गुजरात में लोकेटेड है। मैप के थ्रू आप लोकेशन देख सकते हैं गुजरात की, यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इनके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसके अलावा दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यह स्टेट्स हैं जिनके साथ यहाँ पर ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसकी तरफ अगर आप जाते हैं तो इस तरफ आप बढ़ेंगे तो यह पंजाब के साथ, पाकिस्तान के साथ भी गाइज बॉर्डर शेयर करता है इंटरनेशनल, यहाँ पर कह सकते हैं भारत की जो बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ, वह गुजरात से भी यहाँ पर, गुजरात राज्य से पाकिस्तान की बाउंड्री शेयर करते हैं। बढ़ते जरा देखते हैं और स्टैटिक फैक्ट में। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, मराइन नेशनल पार्क, वर्धा, पुरना इन जम्बू गौड़ा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल आर लोकेटेड इन गुजरात। कोशिश करिएगा स्टार्टिंग के कीवर्ड उठाने की, गिर फॉरेस्ट, ब्लैक ब्लक, वंसदा, मराइन, वर्धा, पुरना, जम्बू गौड़ा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल आर लोकेटेड इन गुजरात। टेक्निकल टीम जरा स्क्रीन को जूम किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं न्यूज। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड मार्क रुते इज ऑन अ टू डे विजिट टू इंडिया। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुटे भारत की 2 दिवसीय यात्रा पे हैं। टेक्निकल टीम जरा स्क्रीन को जूम किया जाए, जरा समझते हैं और डिटेलिंग पार्ट यहाँ पर क्या एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन सकता है। देखिए बातें जो कही गई थी स्टेटमेंट में वो ये कही गई थी, इंडिया एंड नीदरलैंड हैव अ बायलैटरल ट्रेड ऑफ $7.62 बिलियन ड्यूरिंग अप्रैल 2017 से फरवरी 2018। इस दौरान कहा गया है कि भारत का जो द्विपक्षीय व्यापार रहा है वो 7.62 बिलियन रहा है। नीदरलैंड भारत के लिए कहें तो 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में। अगर कंट्रीज की बात करें कौन सबसे ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो उसमें नंबर नीदरलैंड का आता है, नीदरलैंड उसमें 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। क्यूमुलेटिव मतलब होता है गाइज आज मैंने 2 रुपये कमाए, कल मैंने 3 रुपये कमाए, फिर नेक्स्ट डे मैंने 7 रुपये कमाए, तो क्यूमुलेटिव करते तो ये जुड़ता चला जाता है, 3 और 2 5 और 7 12, टोटल मेरा क्यूमुलेटिव कितना हो गया 12। तो एक तरीके से कह सकते हैं टोटल यहाँ पर कहा जा रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 2000 से लेकर 2017 तक
23 बिलियन US डॉलर का। नीदरलैंड इज ऑल्सो द होम टू द 2-3-5 स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा, मतलब कि जो भारतीय है अराउंड 2,35,000 भारतीय जो कि नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की बात करें, कैपिटल ऑफ नीदरलैंड इज द एम्स्टर्डम। एंड गाइस करेंसी की बात करते हैं, करेंसी ऑफ नीदरलैंड इज द यूरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है। एंड करेंसी की बात करते हैं गाइस, करेंसी यूरो है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन में आ सकता है कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नीदरलैंड। तो गाइस आंसर इज द मार्क रूटे इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नीदरलैंड। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, महेंद्र सिंह कन्याल हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम। महेंद्र सिंह कन्याल को सूरीनाम गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वन लाइनर इंपॉर्टेंट, इसके अलावा ज्यादा डिटेल नहीं। हु हैज बीन अपॉइंटेड, सो आंसर इज द महेंद्र सिंह कन्याल। आते हैं जरा देखते हैं सूरीनाम के स्टैटिक फैक्ट। सूरीनाम के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट्स भी बहुत सारे साइन हुए हैं रिसेंट में। अब देखिए सूरीनाम इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकता है। इसके स्टैटिक बतौर स्टैटिक कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, पॉइंट समझिएगा। किसी भी देश की राजधानी या यूं कहें उसकी मुद्रा एग्जामिनर कहीं से भी उठाकर नहीं पूछता, वही पूछता है जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से लिंक होता है। सूरीनाम की जो राजधानी है वह पारामरीबो, करेंसी इज द डॉलर, एंड द प्रेसिडेंट इज द डेजी बुटरसे इज द प्रेसिडेंट ऑफ द सूरीनाम। कोशिश करिएगा कैपिटल करेंसी याद रखने की, पारामरीबो इज द कैपिटल एंड करेंसी इज द डॉलर। वन मोर अपॉइंटमेंट, एस डी मूर्ति हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द साउथ सूडान। एस डी मूर्ति को दक्षिण सूडान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो गाइज यहां पर भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू साउथ सूडान, सो आंसर इज द एस डी मूर्ति। जरा समझते हैं न्यूज में और क्या एग्जामिनेशन के लिए बनता है। अगेन यहां पर साउथ सूडान की बात करते हैं, साउथ सूडान की कैपिटल है जूबा एंड करेंसी पाउंड। प्रेसिडेंट की बात करें तो सलवा किर मयादित इज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द साउथ सूडान, या यू कहें साउथ सूडान। नेक्स्ट न्यूज गाइस, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 44th इन टर्म्स ऑफ द कॉम्पिटिटिवनेस इन द एनुअल रैंकिंग ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की वार्षिक रैंकिंग में प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में भारत को 44वें स्थान पर रखा गया है, 44th पोजीशन पर रखा गया है। क्या है और डिटेलिंग पार्ट, चलिए वो समझ लेते हैं। भारत का एक स्थान का फायदा हुआ है, बढ़कर 44वें स्थान पर आ गया है कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में। और ये एनुअल रैंकिंग है वो कंपाइल की गई है, रिलीज की गई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा, जिसने कहा है कि US फर्स्ट प्लेस पर रहा है, उसको फॉलो किया है हांगकॉन्ग ने, फिर उसके बाद बात करते हैं सिंगापुर ने। तो टॉप 3 प्लेस पर US है, देन फिर हांगकॉन्ग है, देन फिर सिंगापुर है। नीदरलैंड की बात करते हैं तो गाइस स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड यहां पर टॉप 5 में बने हुए हैं। बिल्कुल नीदरलैंड की भी बात करते हैं तो नीदरलैंड 4th प्लेस पर रहा, और फिर स्विट्जरलैंड की बात कर लेते हैं तो वो 5th प्लेस पर, तो टॉप 5 में रहे थे। अपार्ट फ्रॉम आए तो एक लाइन में याद रखना है सिर्फ इतना ही, इंडिया की रैंकिंग क्या, 44th किसके द्वारा रिलीज की गई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, और रैंकिंग रिगार्डिंग है कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में, और उसके अलावा किसने टॉप किया है वो US है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की बात करें, इट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ द 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रेजिडेंट इज द जीन फ्रैंकोइस मैनजोनी इज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट न्यूज गाइज, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेपाल हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया टू इलिमिनेट ट्रैकोमा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नेपाल ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में पहला देश बन गया है, या ट्रैकोमा को खत्म करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया में पहला देश बन गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर 2017 की बात करें तो इंडिया ने खुद से सेल्फ कह सकते हैं अपने आप को कह दिया था कि भाई बिल्कुल फ्री हो चुके हैं हम भी। क्या है ट्रैकोमा, वो जरा हम देखते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं इमेज में, तो जो हमारी आंख होती है, आंख के ऊपर जो पलक होती है, अगर आप देखें इसके अंदर घाव हो जाते हैं, तो वही एक बीमारी है ट्रैकोमा। क्या है उसे भी यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। टेक्निकल टीम जरा स्क्रीन को जूम करें। ट्रैकोमा, जिसे हम रोहे कुकर्रे भी कहते हैं, आंखों का दीर्घकालिक संक्रमण है, एक लॉन्ग टर्म एक बीमारी है। इससे दुनिया भर में अंधेपन के मामले सामने आते हैं। यह खराब पर्यावरण, निजी स्वच्छता के अभाव, यहाँ हम कहें कि खुद सफाई नहीं रखते हैं,
पर्याप्त पानी ना मिलने के कारण, या हम कहें कि पर्याप्त जो वाटर होता है वो नहीं होता है, यह की होने वाली बीमारी है। ये इसके कुछ रीजंस होते हैं। यह आंखों की पलकों के नीचे झिल्ली को प्रभावित करता है। बार बार संक्रमण होने पर आंखों की पलकों पर घाव होने लगते हैं और इससे जो हमारी कॉर्निया होती है उसको नुकसान पहुंचता है और अंधापन होने का गाइस खतरा पैदा हो जाता है। तो ये ओवरऑल बीमारी रहती है जिससे कि यहाँ पर नेपाल कह सकते हैं बिल्कुल फ्री हो चुका है। नेपाल की बात करें, कैपिटल काठमांडू है, करेंसी रुपी है, प्रेसिडेंट इज दी विद्या देवी भंडारी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेपाल इज दी केपी ओली, या यूं कहें खड़गा प्रसाद ओली। नेक्स्ट बात करते गाइस, नेक्स्ट देखते हैं क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, टेड्रोस एडनॉम हु इज फ्रॉम द इथियोपिया इज द 8th डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड WHO की टोटल मेंबर कंट्रीज की बात करते हैं तो वो 194 है। नेक्स्ट न्यूज, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 13 बिटवीन इंडिया एंड नेपाल विल बी कंडक्टेड एट द पिथौरागढ़। आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में एक एक न्यूज एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जामिनेशन का पार्ट बनेगी। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 13 पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। क्या है बातें, उसके अलावा मैं कहूंगा यहां से याद रखना है आपको कि ये सूर्यकिरण एक्सरसाइज है वह किन देशों के बीच में है। भारत की बात करें तो भारत के साथ वह नेपाल के साथ है, मतलब इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्यकिरण एक्सरसाइज है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज नहीं, नवाल एक्सरसाइज नहीं, मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या है और फैक्ट्स, जरा उन्हें देखते हैं हम। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 13 बिटवीन इंडिया एंड नेपाल विल बी कंडक्टेड एट पिथौरागढ़ उत्तराखंड फ्रॉम 30 May to 12 June 2018। द एक्सरसाइज विल कंप्राइज नियरली 300 सोल्जर्स, इसमें भारत के और नेपाल के पार्टिसिपेट करेंगे। सूर्यकिरण की बात करें, एक बाय एनुअल इवेंट है जो कि अल्टरनेटिवली कंडक्ट होता है। आज इंडिया में है, नेक्स्ट ईयर बात करेंगे तो नेपाल में होगा, फिर नेक्स्ट ईयर इंडिया में होगा, फिर उससे नेक्स्ट ईयर नेपाल, तो ये अल्टरनेटिवली कंडक्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम बात करते तो यहाँ पर एक चीज़ और है, आर्मी की बात हो रही, मिलिट्री की बात हो रही है। सो जनरल विपिन रावत इज द 27th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी के जो हेड है इस टाइम पर 27 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनका नाम है जनरल विपिन रावत, विपिन रावत। इसके अलावा जरा उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, उसके स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं क्या एग्जामिनेशन के लिए यहां से इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है। उत्तराखंड की बात करें, उसका गठन हुआ था 9 November 2000 को, देहरादून इज द कैपिटल, त्रिवेंद्र सिंह रावत इज द चीफ मिनिस्टर, कृष्णकांत पॉल के पॉल इज द गवर्नर। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें वह 13 है। राज्यसभा सीटों और लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और गाइस राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं वह 3 है। लार्जेस्ट सिटी देहरादून है उत्तराखंड की, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। वह स्टेट जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है उसमें उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है। टहरी डैम भागीरथी रिवर पे बना हुआ है, याद रखना है उत्तराखंड में है। और भीमतक लेक भी कहाँ पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है उत्तराखंड में। आते हैं जरा देखते हैं उत्तराखंड में मैप के थ्रू और लोकेशन देख लेते हैं उत्तराखंड की। टेक्निकल टीम जरा स्क्रीन को जूम करें। उत्तराखंड की बात करें तो वह स्टेट जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है उसमें हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और गाइज हरियाणा है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा कुछ नेशनल पार्क्स, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये नेशनल पार्क्स एंड ऑल आर लोकेटेड इन उत्तराखंड। इसके अलावा बिनसार, अस्कट और मलवानी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ऑल आर लोकेटेड इन दी उत्तराखंड। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा एक एक पॉइंट, कोशिश करेगा आज रिवाइज करने की। आज हमने 3 स्टेट टोटल डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट न्यूज, यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू द MOU बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क रिगार्डिंग कॉपरेशन इन द एरियाज ऑफ द फूड सेफ्टी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डेनमार्क के बीच खाद्य सुरक्षा और सहयोग समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इस न्यूज की बात करें तो PIB से ली गई न्यूज है। इस न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या है, वह देश जिसके साथ MOU हुआ और उस MOU का टाइटल क्या है, एग्जामिनेशन के लिए मोर देन इनफ है इतना। द MOU विल हेल्प इंप्रूव फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सेटिंग बाई गेटिंग एक्सेस टू बेस्ट प्रैक्टिस एंड फैसिलिटेटिंग फूड ट्रेड ऑफ इंप्रूवमेंट कमोडिटीज। इस समझौता ज्ञापन से सर्वोत्तम व्यवसायों तक पहुंच और खाद्य व्यापार में महत्वपूर्ण वस्तुओं के खाद्य सुरक्षा मानकों के सुधार में मदद मिलेगी। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है, यहां पर कीवर्ड मार्क करेगा फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग किस देश के साथ भारत का एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया डेनमार्क फूड सेफ्टी। 3 बातें फिर बढ़ते हैं जरा देखते हैं डेनमार्क के स्टैटिक फैक्ट। कैपिटल इज द कोपेनहेगन एंड करेंसी क्रोन। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन एंड करेंसी क्रोन।
प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं लार्स लोके रसमुसेन। लार्स लोके रसमुसेन रसमुसेन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डेनमार्क। नेक्स्ट न्यूज गाइस, नीति आयोग एंड एबीबी इंडिया हैव साइंड अ एग्रीमेंट टू हेल्प अ कंट्री टू डिराइव अ बेनिफिट ऑफ अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग रोबोटिक्स एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नीति आयोग और एबीबी इंडिया ने देश को रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धि सहित नवीनतम तकनीकों के लाभ प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि एक जो एबीबी इंडिया है वो एक टेक्नोलॉजी फर्म है, उसके साथ इंडिया का एक एग्रीमेंट साइन हुआ ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, यहां पर कह सकते हैं हम कि नीति आयोग ने एग्रीमेंट साइन हुआ है, और किसके पर्पज से रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग यहां पर एग्रीमेंट साइन हुआ है। क्या है न्यूज और देखते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बनते हैं। टेक्निकल टीम जरा स्क्रीन को जूम करें। नीति आयोग एबीबी साइंड एन स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट टू रियलाइज इट्स एम्बिशियस विजन ऑफ मेक इन इंडिया। जो भारत सरकार का एक जो विजन है मेक इन इंडिया का कि भारत में ही उत्पादन किया जाए, उसको सपोर्ट करने के लिए यहां पर नीति आयोग ने एबीबी इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है। इस समझौते के अंतर्गत ये क्या करेंगे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं उनके क्षेत्र में यहाँ पर रिसर्च चलेगी, दैट इनकॉर्पोरेट लेटेस्ट डेवलपमेंट इन रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन टेक्नोलॉजीज के द्वारा क्या होगा, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लेटेस्ट डेवलपमेंट किया जाएगा, आधुनिक तौर पर कह सकते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है किसके साथ हुआ है, वो है एबीबी इंडिया। नीति आयोग की बात करते हैं, स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एंड चेयरमैन ऑफ अ जो नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो याद रखना है आपको, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इस टाइम पर एट प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो है नरेंद्र मोदी, तो ही इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज द राजीव कुमार, सीईओ इज द अमिताभ कांत, एंड द हेडक्वार्टर ऑफ द नीति आयोग इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली मुख्यालय है, सीईओ अमिताभ कांत है, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार है, और चेयरमैन नरेंद्र मोदी है। बढ़ते हैं, देखते हैं आज के सेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विनोद भट्ट हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज व्हाट। विनोद भट्ट का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे। गाइस आंसर इज दी ही वाज दी राइटर। नेक्स्ट, एबी डिविलियर्स हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, ही इज फ्रॉम विच कंट्री। एबी डिविलियर्स ने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश या पाकिस्तान। सो आंसर इज दी साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, तेजस्वी सावंत इज रिलेटेड टू दी विच स्पोर्ट, किस खेल से तेजस्वी सावंत संबंधित है। बैडमिंटन, शूटिंग, टेबल टेनिस, टेनिस या भारोत्तोलन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दी शूटिंग, तेजस्वी सावंत इज रिलेटेड टू दी शूटिंग। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ का मुख्यालय कहाँ है। सो वन लाइनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज लोकेटेड इन दी म्यूनिक, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क लोकेटेड, किस राज्य में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सो आंसर इज दी गुजरात, जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। सो गाइज अगेन आंसर इज दी गुजरात, इट इज लोकेटेड इन दी गुजरात। नेक्स्ट, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दी नीदरलैंड, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है। देखिए मुंजे इनकी बात करें, प्रेसिडेंट है ये, प्रेसिडेंट है, और ये प्रेसिडेंट है गाइस साउथ कोरिया के, तो ये एलिमिनेट हो गया। एडवर्ड फिलिप की बात करें, प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस के, तो ये भी एलिमिनेट हो गया यहां पर, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वहां के इमैनुअल मैक्रोन है, एंड प्राइम मिनिस्टर की बात करें एडवर्ड फिलिप है। और इसकी बात करते हैं ह्यूबर्ट मिनिस की, तो ह्यूबर्ट मिनिस जो बहामास है, बहामास के प्राइम मिनिस्टर है। मार्क रुत्ते की बात करते हैं, अभी इंडिया में विजिट पे आए, तो यही आंसर बनता है नीदरलैंड का। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमायर की बात करें, जर्मनी के ये प्रेसिडेंट है, तो एक बार आप और रीचेक करिएगा, ये क्लियर है बिल्कुल डेफिनेटली, मून जे इन क्लियर है, ये क्लियर है। हॉबर्ट म्यूनिस को और चेक करिएगा कि ये बहामास के क्या है, प्राइम मिनिस्टर है कि प्रेसिडेंट है, बट जहां तक है मेरे को क्लियर है प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम, किसको सूरीनाम गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। सो गाइस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दी महेंद्र सिंह कल्याण हैज बीन अपॉइंटेड एज दी नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू दी सूरीनाम। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू दी साउथ सूडान। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दी एस डी मूर्ति हैज बीन अपॉइंटेड एज दी नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू दी साउथ सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दी साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है। सो आंसर इज दी केप टाउन। बाकी की बात करें तो जरा ऑप्शन बॉक्स मेथड से हम देख लेते हैं, बॉक्स मेथड में चलें, साउथ अफ्रीका केप टाउन रैंड,
नीदरलैंड एम्स्टर्डम यूरो, सुरीनाम परामरीव डॉलर, साउथ सूडान की बात करें जुबा करेंसी पाउंड, एंड सूडान की बात करते हैं सूडान की कैपिटल है खार्तूम करेंसी पाउंड। सूडान साउथ सूडान अलग अलग है तो दोनों पर फोकस करिएगा। नेक्स्ट, इंडिया हैज बीन रैंक्ड व्हाट इन टर्म्स ऑफ द कॉम्पिटिटिवनेस इन द एनुअल रैंकिंग ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। सो गाइज आंसर इज द 44th। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 44th इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द एनुअल रैंकिंग ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया टू एलिमिनेट ट्रैकोमा। सो यहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन है ट्रैकोमा। सो आंसर इज द नेपाल। नेपाल हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू एलिमिनेट ट्रैकोमा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 13 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री विल बी कंडक्टेड एट दी पिथौरागढ़। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 13 पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। सो गाइस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द नेपाल। सूर्य किरण इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड दी नेपाल। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सूरीनाम, सूरीनाम की मुद्रा क्या है। सो आंसर इज द डॉलर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, डॉलर इज द करेंसी ऑफ द सूरीनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू द एमओयू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री रिगार्डिंग कॉपरेशन इन द एरियाज ऑफ द फूड सेफ्टी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द डेनमार्क। यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू एमओयू बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क रिगार्डिंग द कॉपरेशन इन द एरियाज ऑफ द फूड सेफ्टी। ये रहे आज के सेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेशन पसंद आया तो प्लीज थम्स अप करके मतलब लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। शेयर करना ना भूलें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेजेस पे, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को बताइए सेशन के बारे में, और जो उसकी PDF प्रोवाइड करते हैं उसे भी अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कर सकते हैं। सो गुड बाय, टेक केयर, सक्सेस दूर नहीं। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल, बेल बटन पर क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट।